तोश गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है। ये पर्वतों से घिरी पार्वती घाटी में कसोल के पास लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। तोश की दिल्ली से दूरी तकरीबन 550 किलोमीटर की है। तोश का रूट कुल्लू, कसोल, मणिकरण और बरसैनी से होते हुए गुजरता है। तोश की दूरी कसोल से लगभग 20 किलोमीटर और कुल्लू से लगभग 60 किलोमीटर है। तोश का रास्ता छोटी गाड़ियों से आसानी से तय किया जा सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। Well, I'm Ronnie and he's Rahul. Rahul. And I'm Shubham. We are all from Gurgaon. So if you guys wanna see the nature and the valleys, so you should come to Tosh. So right now, where we at? This is a small kind of a town. What's the name of this? This Tosh. Is Tosh. Yeah, it's a Tosh. So if you want to see the waterfall and if you want to see the nature, so you have to move ahead and you have to trek around, it must be around 2 kilometers? Yeah, 1.5. Yeah, 1.5 kilometers for the waterfalls. And once you will reach to the waterfall, you will find like a beauty of the nature. Tosh ka safar karte hue Parvati nadi ke खूबसूरत दृश्यों का आनंद अपने आप में एक अलग ही अनुभव देता है। ये गांव पार्वती घाटी में स्थित है, जो अपनी खूबसूरती के लिए देश विदेशों में प्रसिद्ध है। यहाँ की खूबसूरती मन को मोह लेने वाली है। यहाँ का सफ़र तय करते हुए रास्ते में काफ़ी छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। हाल के वर्षों में इस गाँव ने पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है, जिसकी एक वजह इसका कसोल से काफी करीब होना भी है। Hi, my name is Kamal. I have come all the way from Ahmedabad. We started from Kasol and then we trekked towards Tosh yesterday. We reached at around 5 in the evening and we didn't go much further up, but there are good homestays around. So we just stayed there and had this view and it was very mesmerizing in the evening and especially in the morning during the sunrise. And until now, this is the first experience which I'm having. We'll be continuing with our journey towards further distances. सड़क तोश गांव के शुरुआत में ही खत्म हो जाती है और सड़क से गांव में दाखिल होने का रास्ता एक पुल से होकर गुजरता है। ये पूरा गांव एक पहाड़ी इलाके पर बसा हुआ है। गांव काफ़ी छोटा है और सभी जगहों पर आसानी से पैदल घूमा जा सकता है। सर्दियों के मौसम में गांव बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है। नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ बर्फबारी होना आम बात है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से लेकर -10 डिग्री के आसपास तक गिर जाता है। तोश से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा मगर खूबसूरत झरना है। इस ट्रैक में खाने पीने, चाय नाश्ते के छोटे छोटे ढाबे मौजूद हैं। झरने के पास रात को रुकने के लिए कुछ होटल और कैंप भी हैं। झरने के आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सैलानी यहाँ लगभग पूरे ही साल काफ़ी तादाद में आते रहते हैं और हिमाचल की हसीन वादियों का लुत्फ लेते हैं। एक तरफ जहां आपको यहां पुराने लकड़ी से बने हुए घर दिखेंगे, वहीं दूसरी तरफ गांव आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देगा।
गांव में बिजली हर समय आती है जो कि उनको गांव की जमीन पर ही बने हुए पावर प्लांट से मिलती है। गांव में सेब की खेती काफ़ी मात्रा में होती है जो कि इनके मुख्य व्यवसायों में से एक है। इसके अलावा लोग दूसरी चीज़ों की भी खेती करते हैं। हिमाचल के मणिकरण की पहाड़ी और पार्वती नदी हर साल सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बर्फ से ढकी पहाड़ी और हरियाली से भरी वादियों के बीच बहती पार्वती नदी इस नज़ारे को और भी खूबसूरत कर देती है। पार्वती नदी यहाँ की मुख्य और पवित्र नदियों में से एक है जो अपनी पवित्रता के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है।